तुम्हारे मामा के भैया शेर उड़े दूसरी जगह। देखो चिंपैंजी, देखो ये देवजी, वाह देखो साउंड प्रूफ ना खराब ही रहा है। मैं राम घर की रखो तू मैं जाबा धान छड़ा कि के अंदर खुशी है मयूर देखी जाए बाहर अच्छी সাদা হলুদ সবই আছে কালারিং দেখো ওই দিকে ওই দিকে ওই আরে বাপ রে উপরে দেখে গোসর হলে পক্ষী যাবো দেখে এক দুই তিন চার পাঁচ ছ व्हाइट वाला देख रहा तो धोना पड़ नहीं उसी बोली देवनु हल्दी हल्दी उठो हल्दी बस नहीं होटल हल्दी मिठी हुई रहा ये बर्ड्स की नेस्ट वगैरह लगा हुआ है भाई जैक फ्रूट खाएगा ये देखिए पैंड पैरट बजिस सब कुछ है ऐसा कटिंग मार कौन ये कौन बतक ये बतक कि व्हाइट बतक कि बतक बतक है
छुआ भी है छोटा छुआ मूसा से देखो हमें सेंचुरी को एग्जिट लेने वाले हैं ये मैं साइड पे पहली बार आया हूँ पहले कभी इस साइड में नहीं आया इसका एग्जिट भी मस्त है नेट का है कुछ अरे बापरा झंझरी को पार करना पड़ता है ये सेफ्टी दिया हुआ है पक्षियों के लिए ये हम निकल चुके हैं बर्ड सेंचुरी के पास से हम चलेंगे अभी इधर नंदनकानन घूमते घूमते शाम हो चुका है शायद बारिश भी आने वाला है अभी थोड़ा हवा ठंडी ठंडी हवा आ रहा है और ऊपर बादल भी थोड़ा ज़्यादा ही है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे घर की ओर यहाँ पर लाइब्रेरी आपको कुछ एनिमल की जानकारी चाहिए तो यहाँ आ जाना तो गेट के बाहर मैं कैसे टिकट वगैरह किया वो दिखा नहीं पाया बहुत भीड़ है आज पता नहीं क्यों तो निकलते फिर अभी मुझे जाना है भुवनेश्वर टाउन पे यहाँ पर भीड़ के कारण थोड़ा बस का इशू है
मतलब टिकट वगैरह सीट वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं फिर रोजा छुट्टी के लिए आज थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ है। मेरे सब बने रहे, छोटा सा एक टूर। यहाँ पर देखने में बहुत कुछ है, हर कुछ कवर करने का टाइम भी नहीं है। यहाँ पर आने में वक्त लेके आइए, थोड़ा टाइम लेके आने से हर कुछ देख पाएंगे। कभी भी बारिश हो सकता है, निकलते हैं। ये हम एग्जिट गेट से आ सकते हैं, आप देख सकते हैं भीड़ कितना है। आपको शॉर्ट टाइम में आना है तो इस गाड़ी को बुक करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल। चार्जेस कितना है वो आपको काउंटर में पता चल जाएगा। कुछ फोटो वगैरह भी खींच नहीं पाया क्योंकि टाइम बहुत कम था। काउंटर गेट के पास था, आने के टाइम आपको पहले दिखाया था मैं। निकलते हैं फिर गेट की तरफ। आज बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। मतलब मैं आज तक ऐसा भीड़ नहीं देखा, मुझे तो बहुत सकते हैं। मिलते बाहर फिर मिलेंगे दो तीन साल के अंदर। नंदनकानन की सफ़र यहीं तक रहा, फिर टाइम निकाल के फिर आएंगे और आपको भी दिखाएंगे। इसलिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल।